सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद विजय चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले दो चक्र का पूरा शेड्यूल पूरा फिक्सर जारी कर दिया है। जैसे कि फिलहाल जो WTC का चक्र चल रहा है उसका फाइनल साल 2023 में खेला जाना है। उसके बाद इस टूर्नामेंट का अगला यानी तीसरा संस्करण साल 2023 से 2025 के बीच खेला जाएगा और चौथा संस्करण साल 2025 से 2027 के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों आईसीसी ने WTC के इन दोनों चक्र के लिए सभी टीमों का पूरा फिक्सर जारी कर दिया है कि आखिर सभी टीमों को इस दौरान कितने टेस्ट मैच खेलने हैं, टीम इंडिया की भिड़ंत किस किस टीम के खिलाफ होगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम को पाकिस्तान की टीम को किस टीम के खिलाफ सीरीज खेलनी है, ये सब कुछ आईसीसी ने जारी कर दिया है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता काफी बढ़ी है और इसीलिए आईसीसी ने इस साइकिल को जारी रखने का फैसला किया है। दोस्तों बता दें कि आईसीसी ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2019 में की थी और दो साल तक खेले गए इस टूर्नामेंट के फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम पहुंची थी। फाइनल इंग्लैंड में खेला गया था जो कि न्यूजीलैंड की टीम ने जीता था। उसके बाद 2021 में इसके दूसरे चक्र की शुरुआत हुई जिसका फाइनल 31 मार्च 2023 को खेला जाएगा। मई 2023 में इसके तीसरे चक्र की शुरुआत होगी जो कि 2025 तक चलेगा और 2025 से अप्रैल 2027 तक इसका चौथा संस्करण चलेगा। तो इस तरह यह साइकिल आगे बढ़ती जाएगी और हर दो साल में हमें एक टेस्ट चैंपियंस टीम मिलती रहेगी। दोस्तों आईसीसी के FTP यानी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम के अनुसार मई 2023 से अप्रैल 2027 के बीच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी जिसमें 5-5 टेस्ट मैच शामिल होंगे, जहां पे दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी। तो इस साल 2027 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत का दौरा करेगी, ये दोनों सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। दोस्तों भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले दो चक्र के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ भी 2-5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जहां पे साल 2024 की शुरुआत में इंग्लैंड की टीम भारत का दौरा करेगी तो वहीं साल 2025 में भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अलावा टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अक्टूबर नवंबर 2024 में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। तो इन तीन बड़ी सीरीज के अलावा WTC 2023-25 में टीम इंडिया की बाकी तीन सीरीज 2-2 टेस्ट मैचों की होगी। अब दोस्तों WTC 23-25 के लिए सभी टीमों के कुल टेस्ट मैचों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर इंग्लैंड की टीम सबसे ज्यादा 42 टेस्ट मैच खेलने वाली है, ऑस्ट्रेलिया की टीम 41 टेस्ट मैच खेलने वाली है, टीम इंडिया 38 टेस्ट मैच खेलने वाली है, बांग्लादेश की टीम 34 टेस्ट मैच खेलने वाली है और न्यूजीलैंड की टीम 32 टेस्ट मैच खेलने वाली है। दोस्तों यहां पर साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और पाकिस्तान टीम के मैचों की संख्या सामने नहीं आई है। तो चलिए दोस्तों यहां पर अब टीम वाइज जो है WTC 23-25 के फिक्सचर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहां पे ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज इंडिया, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ होगी, तो वहीं अवे सीरीज न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ होगी। बांग्लादेश की होम सीरीज न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होगी, तो वहीं अवे सीरीज इंडिया, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ होगी। इंग्लैंड टीम की होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ होगी, तो वहीं अवे सीरीज न्यूजीलैंड, इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ होगी। टीम इंडिया की यहां पर होम सीरीज जो है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ होगी, तो वहीं अवे सीरीज ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी। न्यूजीलैंड टीम की होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी, तो वहीं अवे सीरीज इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ होगी। दोस्तों यहां पर पाकिस्तान की होम सीरीज इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ होगी, तो वहीं अवे सीरीज ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होगी। दोस्तों साउथ अफ्रीका की होम सीरीज इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ होगी, तो वहीं अवे सीरीज न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ होगी। श्रीलंका की होम सीरीज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ होगी, तो वहीं यहां पर उनकी अवे सीरीज जो है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ होगी। लास्ट में यहां पर वेस्ट इंडीज की होम सीरीज इंडिया, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ होगी, तो वहीं अवे सीरीज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ होगी। दोस्तों अगर आप WTC 2025-27 का पूरा फिक्सचर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा और वहां पर फिक्सचर देख लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़े तो WTC के अलावा आईसीसी अगले FTP में वनडे टी सीरीज को भी वापस लाने पर विचार कर रहा है, जहां पर तीन देशों के बीच आपस में ODI सीरीज खेली जाएगी। वहीं दोस्तों T20 फॉर्मेट के फैंस के लिए आईसीसी बहुत बड़ी भेंट देने जा रहा है। दोस्तों FTP के अनुसार साल 2023 से 27 के बीच कुल 15-5 मैचों की T20I सीरीज का आयोजन होगा, जिसमें से 9 सीरीज में भारतीय टीम हिस्सा लेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।